करेंगे। दशहरे का पर्व नजदीक है और पूरे देश में रावण दहन की तैयारियां जोरों पर हैं। धारणा है कि इसी दिन भगवान राम ने रावण का संहार किया था और उसी कड़ी में साल दर साल दशहरे के मौके पर रावण दहन किया जाता है। नवरात्र के शुरुआत से ही रावण बनाने वाले कारीगर दशहरे को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर देते हैं ताकि दशमी पर रावण दहन किया जा सके। लेकिन खास बात यह है कि एक जगह पर ऐसा रावण दहन होता है जहां मुस्लिम परिवार पिछली 5 पीढ़ी से रावण के पुतलों का निर्माण करते आ रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सद्भाव की इससे बेहतर तस्वीर और क्या हो सकती है, इस रिपोर्ट में देखिए। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरे का पर्व त्रेता युग से कलयुग तक लगातार मनाया जा रहा है, जिसके तहत रावण दहन की परंपरा आज भी बदस्तूर जारी है, ताकि समाज में ये संदेश दिया जा सके कि बुराई चाहे लाख बड़ी हो लेकिन विजय हमेशा अच्छाई की होती है। इसी रावण दहन और दशहरे के त्योहार को लेकर हम आपको ऐसी जगह लिए चलते हैं जहाँ रावण दहन पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध है। जयपुर का आदर्श नगर दशहरा मैदान, जहां श्री राम मंदिर न्यास और सनातन धर्म सभा की ओर से साल 1956 से रावण दहन के बड़े समारोह का आयोजन किया जाता है। इस कार्यक्रम में तमाम जनप्रतिनिधि समेत लाखों की संख्या में लोग मौजूद रहते हैं। श्री सनातन धर्म सभा श्री राम मंदिर न्यास के तत्वावधान में 1956 से यहाँ पे दशहरे का आयोजन किया जाता रहा है और दशहरे के आयोजन से पहले 9 दिन की रामलीला होती है। इस बार श्री सुरभि कला केंद्र कोटा की तरफ से रामलीला का आयोजन हो रहा है, जिसमें महिला पात्र भी इसमें अभिनय कर रही हैं। न केवल महिला पात्र बल्कि उसमें पढ़ी लिखी महिलाएं, इवन PhD और MBA लोग भी उसमें अभिनय कर रहे हैं। और हम अपनी आने वाली पीढ़ी को अपनी भारतीय संस्कृति को बताना चाहते हैं, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। दशहरे का पर्व यूं तो हर जगह मनाया जाता है, लेकिन इस दशहरे मेले में खास बात यह है कि इस मेले के लिए रावण के पुतलों का निर्माण एक मुस्लिम परिवार द्वारा किया जाता है और साथ ही साथ ये एक ही परिवार है जिसकी 5वीं पीढ़ी रावण के पुतलों का निर्माण करने के लिए हर साल जयपुर आती है। पहले इस परिवार के बड़े बुजुर्ग रावण के पुतले बनाने आते थे और अब उनके बच्चे। इस बार के रावण दहन के लिए चांद खान का परिवार करीब 1 महीने से जयपुर में ही रहकर रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का निर्माण कर रहा है। ये मेरी मतलब 5वीं पीढ़ी है। सबसे पहले मेरे बाबा बनाते थे यहाँ पर नबी वक्त में, उन्होंने 20 फुट का मतलब पुतला बनाया था जिसकी मजदूरी 250 रुपये थी और आज 20 फुट के पुतले से 120 फुट का पुतला हो गया। ये मेरी 5वीं पीढ़ी है यहाँ पर काम करते हुए राम मंदिर आदर्श नगर में। जी हाँ, ये तो अपना खानदानी काम है और मैं भी यही चाहता हूँ, जिस तरह का मेरे बाबा ने मेरे को ये काम बताया मैं भी अपने बच्चों को मतलब इसी काम में मतलब डालना चाहता हूँ, जिससे कि मेरी भी परंपरा आगे चलती रहे, जो मतलब पुराना काम है अपना। ये मेरा ख्याल जब हम लोग शायद पैदा ही हुए होंगे तब से परिवार यहाँ आ रहा है। पहले इनके बाप दादा आया करते थे, अब आगे उनके बच्चे जुड़ करके ये 5वीं पीढ़ी है जो यहाँ आ रही है रावण बनाने के लिए। और ये 64 साल हो गए इनको यहाँ आते हुए। 64वां दशहरा है राम मंदिर पर न्यास के तत्वाधान। अब क्योंकि नए वो भी पुराने आदमी हो गए और लगातार इस काम को कर रहे हैं, जन्माष्टमी के 3-4 दिन बाद ये आ जाते हैं और तब से रावण बनाना चालू करते हैं, जो कि दशहरा के दिन तक ये काम चालू रहता है। दशहरे के दिन ही ये कम्प्लीट होता है और उसी दिन हम इसको खड़ा कर पाते हैं। सामाजिक समरसता और सामाजिक एकता सा इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। ये मुस्लिम परिवार लगभग 1956 से हमारे यहाँ पे आ रहा है और इस मंदिर परिसर में ये लोग रहते हैं। बड़े ही प्यार से ये लोग इसको रावण को पुतले को बनाते हैं और हम भी इन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आने देते और इस दशहरे के उत्सव को हम राष्ट्रीय एकता के पर्व के रूप में भी मनाते हैं। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, सवाल यह है कि महज कुछ स्वार्थ को लेकर आज के इस दौर में एक और जहां जाति और धर्म पर राजनीति की जा रही हो, वहां एक मुस्लिम परिवार करीब 65 सालों से हिंदू समाज के त्योहार के लिए पूरी मेहनत और लगन के साथ काम कर रहा है। दशहरा का पर्व नजदीक है और इस दिन माना जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत को लेकर के
दशहरा का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान राम ने रावण का जो है संहार किया था, और उसी कड़ी में जो ऐतिहासिक धरोहर हमारी है उसी कड़ी में आज भी रावण दहन का दौर लगातार जारी है। हम जिस जगह पर मौजूद है, ये आदर्श नगर इलाके का वो क्षेत्र है जहाँ पर हर साल आदर्श नगर मैदान में एक बड़े रावण के पुतले का दहन किया जाता है। सबसे बड़ी खास बात यह कि सामाजिक समरसता के लिहाज से भी राम मंदिर पर न्यास की ओर से आयोजन किया जाता है, लेकिन इस आयोजन की क्या कुछ खास बातें हैं, अगर आप वो बातें जानेंगे तो शायद आपको ये लगेगा कि राजनीतिक इस दौर में जहाँ हिंदू और मुस्लिम को लेकर के राजनीति चरमोत्कर्ष पर है, वहाँ पर ये दशहरा मेला अपने आप में सामाजिक सद्भाव को जन्म देता है। ये जो रावण के पुतले आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इन पुतलों के जो कारीगर हैं एक मुस्लिम समुदाय से हैं, और बताया जाता है कि 1956 से लगातार एक ही पीढ़ी के लोग इस रावण के पुतले को बनाने के लिए जयपुर आते हैं, और तकरीबन 1 से 1.5 महीने की कड़ी मेहनत के बाद में इन पुतलों को तैयार किया जाता है ताकि हिंदू समाज का एक प्रमुख त्यौहार दशहरा पर्व बड़े धूमधाम के साथ में मनाया जा सकते। मेरे साथ राम मंदिर प्रन्यास के कुछ पदाधिकारी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, जिस तरीके से सामाजिक समरसता का जिक्र किया जाता है और आज के इस माहौल में जब राजनीति के लिए हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जाती है, धार्मिक भेदभाव की राजनीति की जाती है, ऐसे में ये जो दशहरे मेले का आयोजन हर बार होता है और उन रावणों का यहाँ पर दहन किया जाता है जो एक मुस्लिम समाज द्वारा, एक मुस्लिम परिवार द्वारा मनाए जाते हैं, किस तरीके से आप देखते हैं इसे? देखिए, हमारे यहाँ पे ये मुस्लिम परिवार की 5वीं पीढ़ी इस बार 2019 का रावण बना रही है। ये लोग मंदिर में ही रहते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं। हमने कभी इनके ऐसा भाव नहीं देखा, सिर्फ एक इंसानियत का भाव ज़रूर दिखता है कि हमको सिर्फ काम करना है, और राम जी का बड़े आदर के साथ ये पुतले बनाते हैं, और बिल्कुल इनको लगता नहीं है कि हम दूसरे धर्म के, और मंदिर में रहते हैं बिल्कुल एक परिवार की तरह, जैसे हम लोग से भी ऐसे घुल मिल जाते हैं इनके परिवार वाले, इनके बीवी बच्चे सब, और यहाँ तक भी किसी भी तरह का इनके अंदर भाव नहीं आता। जबकि 1 या 2 साल पहले तो ईद भी इन्हीं दिनों में आई थी, इन्होंने अपना भी ईद भी मनाई और मंदिर का भी काम करा, और यहीं रह के इन्होंने ईद मना ली, नए कपड़े पहन के बाजार भी घूमाए और हमारा काम भी करते रहे। ऐसा लगता नहीं है कि इसमें कोई धर्म आड़े आता है इस बीच में। सर, 5वीं पीढ़ी या 6ठी पीढ़ी इन लोगों की है जो इस रावण को तैयार कर रही है, कुल मिलाकर के एक पीढ़ी दर पीढ़ी ये कला का स्थानांतरण हो रहा है और उसी परिवार के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं हर बार? हाँ जी, ये एक ही परिवार है, ये सीखने की कला इनको अपने आप ही विरासत में मिल जाती है, क्योंकि अभी जो लोग काम कर रहे हैं इनके छोटे छोटे बच्चे भी साथ में ही हैं, कि पूरा परिवार यहीं आता है, यहीं खाना बनाते हैं, यहीं रहते हैं, और वो बचपन से ही देखते देखते फिर धीरे धीरे करने भी लग जाते हैं, और उनको ऐसा विशेष सीखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, अपने आप ही उनको करना आ जाता है, और क्या करना है ये भी देख देख के अपने बुजुर्गों को, बड़ों को देख देख के सीख जाते हैं। कुल मिलाकर के जो स्थितियां हैं आज के इस दौर में, इस प्रकार के हालात, इस प्रकार की स्थितियां काफ़ी प्रासंगिक होती है। जब आप ये सोचते हैं कि राजनीति के इस दौर में जब तमाम बातें, तमाम आरोप प्रत्यारोप कहीं ना कहीं समाजों पर, धार्मिक चिन्हों पर जाकर ठहरते हों, उस हालात में एक मुस्लिम परिवार की 6ठी पीढ़ी आकर के रावण के पुतलों का निर्माण करती हो, और उस समाज के लिए जो समाज कहीं जिस समाज का पारंपरिक ये पर्व हो उसके लिए मुस्लिम समाज के एक परिवार द्वारा इस प्रकार के रावण के पुतलों का निर्माण करना ताकि एक सामाजिक समरसता बनी रहे, और कुल मिलाकर के सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रकार की सामाजिक समरसता काफ़ी सुखद एहसास तब दिलाती है जब इस प्रकार के नज़ारे देखने को मिलते हैं कि चांद बाबू जैसा परिवार जयपुर पहुंचता है और तकरीबन 1 से 1.5 महीने की कड़ी मेहनत के बाद रावण के पुतलों को तैयार करता है ताकि हिंदू समाज के लोग रावण दहन का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मना सके। बहरहाल ये तस्वीरें बेहद सुखद एहसास कराती हैं, क्योंकि रावण तो सिर्फ बहाना है, केवल सांप्रदायिक सद्भाव को आगे बढ़ाना है। एक मुस्लिम परिवार के हाथ जब रावण के पुतलों को तैयार करते हैं तो उन चेहरों पर एक करारा तमाचा लगता है जिनके स्वार्थ की नींव हिंदू मुस्लिम की खाई खोदकर तैयार होती है। न्यूज इंडिया के लिए जयपुर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट।